सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एमपी बोर्ड के मध्य प्रदेश बोर्ड के काफ़ी सारे बच्चे मेरे कह रहे थे क्लास ट्वेल्थ का क्या फैसला आएगा, क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम कैंसिल हो गया या नहीं हो गया। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का ही फैसले का वेट कर रहे हैं। जैसे ही सीबीएसई जो डिसीजन लेगा वही सेम डिसीजन मध्य प्रदेश बोर्ड भी लेगा। बस सीबीएसई का ऑफिशियली डिसीजन जिस दिन आएगा उसी दिन सभी स्टेट बोर्ड सेम डिसीजन ले लेंगे। तो आप सभी को कितना वेट करना है, तो मैं आप सभी को इतना ही कहूँगा कि इस महीने का वेट करो, इस महीने के अंदर सारा कुछ कंफर्म हो जाएगा। इस वीक के अंदर लगभग सारी बातों पे आपको ऑफिशियली डिसीजन मिल जाएगी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। मध्य प्रदेश बोर्ड भी बस सीबीएसई के डिसीजन का ही वेट कर रहे हैं, उसके बाद में वो ऑफिशियली सर्कुलर जारी करके आपको जानकारी दे देंगे। सीबीएसई का डिसीजन यही होगा, मतलब ज़्यादातर चांस यही है सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल होने की ज़्यादातर चांस है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। तो जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक मध्य प्रदेश अपना फैसला नहीं देगा। तो जैसे ही मध्य प्रदेश बोर्ड को सीबीएसई का फैसला मिलेगा आप सभी को भी फैसला मिल जाएगा। तो कोई भी अपडेट आएगा मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से तो आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अभी आप सभी के लिए यही जानकारी है कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है क्लास ट्वेल्थ एग्जाम को लेकर, लेकिन जैसे ही सीबीएसई फैसला लेगा उसी टाइप का फैसला मध्य प्रदेश बोर्ड भी ले लेगा क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहो।